कैसा तो केक तो हम लोगों ने खा लिया है, सारे बच्चों ने। अब बच्चों को चाहिए चाउमीन। चाउमीन हमने बजार से मंगाए हुए हैं। ये सांस का बोतल हटा जरा। सबसे पहले सभी को प्यार और पहला मैं दीपा जलाल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपा जलाल। सारा प्यार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरा मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सर दर्द और बुखार हुआ मुझे, खेत में भीग गई थी। तो अचानक हमारे घर में इतने सारे बच्चे आ गए हैं। ये है बर्थडे बॉय, विजय का बर्थडे है आज। बच्चों को बहुत ज़्यादा केक मिलेगा। बच्चों के हित में बात कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत केक खाने का मन होता है ना, दो केक है ना सबसे ज़्यादा। तो बच्चों की पलटन दिखाती हूँ आपको। ये है बच्चे, इसके दोस्त हैं। तो पहले कोई भी काम करने से पहले शगुन होता है टीके का, तो टीका मैंने घूम दिया। तो टीका लग चुका है, अब बारी है केक की। केक काटते हैं पहले, उसके बाद खाना बनाना है। सब्जी चढ़ा के आई हूँ मैं, चलो। है ये क्या लिखा है? तो निकु लाई है बेरोजगार भाई के लिए केक। ये बेरोजगार है, ये है इसकी बहन। तो बहुत अच्छा केक बनता, इसमें लिखा है बिज्जू। एक ये हमारे वाला है बिज्जू, और ये है दद्दा, ये निक्कू वाला। तो ये बहन लाई है बेरोजगार भाई, और इसके दोस्त इतने बड़े बड़े हैं ना, आपको दिखाती हूँ। निक्कू सही था। तो बेरोजगार एक नहीं, बेरोजगार बेटे के लिए दो केक आए हैं, देख सकते हो। और केक पूरा हो जाता है निकू को और सविता को। दिखा उसे, उसे दिखा निकू से। आप लोगों का धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद, निकू और सविता का। अब बांटेंगे सबको केक, तो बच्चों को बहुत केक खाने मन करता है, इसलिए मैं ज्यादा दूंगा आपको, ठीक है? तो पहले गोलजू, पहले हमारी गोल गोलजू भगवान, गोलजू की बारी। आओ गोलजू। पहले जाता है निकू, नहीं निकू और सरिता को। एक ही अपने भाई के लिए लाए थे केक, एक एक अभी मैंने अभी मंगाया है। तो बच्चे हैं खाने वाले, दो केक बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो बच्चों को खिला देते हैं केक। क्यों रे, और कुछ नहीं खिला रही मैं बच्चों को आज। फूल बम खाएगा, फूल केक खिला रही, बस केक से इनका पेट भरना है, ठीक है? काफी कम की मिलती है इसलिए मैं सबको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। निकू का था बड़ा, सहिता का बहुत बड़ा, और धीरे धीरे कम होते रहेगा भाई। जिसको खाना है फटाफट खा लो, तो मिलेगा बाद में, हमसे मत कहना बाद। केक तो हम लोगों ने खा लिया है, सारे बच्चों ने। अब बच्चों को चाहिए चाउमीन। चाउमीन हमने बाजार से मंगाए हुए हैं, चाउमीन भी आ गई है। बच्चों का पेट जो है केक से नहीं भरता है, तो यहाँ से रेडीमेड चाउमीन, रेडीमेड पवन और सूर्या है वीडियो कॉलिंग पे। संगीता कहाँ है? संगीता तो दिखी नहीं रही। संगीता कहाँ से? चार लोग जुड़े हैं वीडियो कॉल में। यार चम्मच के लिए लड़ाई, तो मुझे बच्चे काफी अच्छे लगते हैं, बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए दिल खोल के। तो गाइस उठाइए, ओए उठाओ, उन्होंने लिए जल्दी उठाओ।
शुभम शुभम तू वहां बैठा था, ये क्यों उठाया? तू यहां से यहां के वाला क्यों उठाया गया? ये क्या चला गई थी, मतलब क्या राज, ये राजनीति क्या खेल रहा था? So thank you for watching guys. I hope you liked it. तो यहाँ भी वीडियो कॉलिंग पर चार लोग बने थे हमारे साथ देख रहे थे, और आप खा रहे हैं चाउमीन, उसके बाद मैंने पनीर बनाया है। पनीर तो इतने बच्चों को नहीं दूंगी मैं, सॉरी। डांस प्रोग्राम, बच्चों को केक और चाउमीन, केक और चाउमीन, और इसके बाद बच्चे डांस करते हैं। मुझे बनाना है खाना, ये देखो भाई साहब। ये तो वीडियो में कैसा लग रहा है? तो हो रही बात और गिरा दे, कोई भी है इनका खाना पीना हो गया, मुझे बनाना है खाना। तो मैं थोड़ा सा डांस करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, कमेंट करके बताना मेरा डांस कैसा लग रहा है। मुझे डांस डांस आता नहीं है। निकू ने आज के लिए डांस सीखा है, आपको थोड़ा सा एक क्लिक देखना और कमेंट करके जरूर बताना मेरा डांस कैसा होता है। निकू आएगी, निकू कह रही मैंने डांस सीखा है आप बर्थडे के लिए स्पेशल। तो बच्चे लोग तो चले गए हैं और मैंने बना दिया यहाँ पे खाना, फर्स्ट क्लास बनाई है पूरी ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पनीर बना दिया है, यह पनीर आप देख सकते हो रखे हैं मैंने यहाँ खाने के लिए। बाकी सब चले गए हैं, जिसको बुखार है मुँह नहीं दिखा रही है। हाँ, तो बच्चों को नहीं खिलाने का रीज़न ये था, टमाटर बहुत महंगा हो रहा है, इस वजह से बच्चों को नहीं खिला रही हूँ। 200 रुपये, 150 रुपया, 180-200 के लगभग हुआ है, तो इसलिए बच्चों को नहीं खिलाया। इतने बच्चों को एक टमाटर से काम चल गया, नहीं तो 3-4 दाने लगते। खाई हाँ। तो आप खाते हैं फटाफट खाना। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू नहीं बना पाई ब्लॉग। सुबह क्या बनाती हूँ ऐसे, मेरी सुबह वैसे ही नहीं बनाया, क्योंकि बुखार सर दर्द जैसे हो रहा था और बारिश, जितनी बार खेत में जा रही थी तो भीग आ जा रही थी, उस वजह से वीडियो नहीं बनाया। मैं कहा क्यों ना शाम को थोड़ी देर बना लेते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है, अब बच्चे भी, निकू और श्वेता यहाँ सोएंगे, जो ही जाएगी अपने घर। बाकी इस वीडियो को भी यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो फिर लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मैं दीपा जलाल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।